कुछ दिनों तक भगवान कृष्ण देव की वसुदेव माता पिता के सन्निकट सानिध्य में रहे, लेकिन इसके बाद फिर देवकी वसुदेव को लगा कि पुत्र बड़े हो गए हैं और अब इनकी शिक्षा परम आवश्यक है, इसलिए भगवान कृष्ण को वसुदेव जी और देवकी ने उज्जैन भेज दिया। उज्जैन तो सुना होगा आप, महाकाल की नगरी। उज्जैन भेज दिया अवंतिकापुरी सांदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान उज्जैन आते हैं और बहुत कम दिनों में 64 दिनों में भगवान शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं से निपुण होकर के लौटते हैं। इसके बाद जब भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा का राज्यपाट भगवान कृष्ण ने संभाला है। देखिए मैं यहां पर कथा का संक्षिप्तीकरण कर रही हूं छोटे में, क्योंकि समय की कमी है, क्योंकि अभी हमारे बीच में परम पूज्य परम संत श्री अक्षय सागर जी महाराज का आगमन होना है, तो मैं कथा संक्षिप्तीकरण करूंगी। तो भगवान कृष्ण ने मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा पहुंचे, मथुरा का राज्यपाट संभाला है और यहां फिर उद्धव जी भगवान के मंत्री बने हैं मथुरा के, और वेद व्यास जी महाराज भागवत के दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में, 46वें अध्याय में 118 श्लोक, 46वें अध्याय में 49 श्लोकों में और 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में, इस प्रकार से 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन मिलता है। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, उद्धव जी के विषय में आप सबने सुना होगा, मथुरा के मंत्री उद्धव जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य थे उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे उद्धव जी, और इसके साथ साथ परम ज्ञानी भी थे उद्धव जी। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज भेजा है, क्यों? कि गोपियों को समझा के आओ। क्या समझा के आओ? उद्धव जी को समझाया है कि मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागतः ये त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान विभर्महम्। उद्धव जी, उन गोपियों ने मुझको ही दे दिया है। क्या दे दिया है? मामेव दैतम प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब शरीर, मात्मानं आत्मा, मनसागता और अपना मन। अब बताओ, शरीर दे सकते हैं, आत्मा किसी को दी जा सकती? आत्मा कैसी है? कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापोन शोष्यति मारुतः। ऐसा आत्म तत्व उन्होंने मुझे दे दिया है। मन, मन किसी का हो सकता है? मन तो बड़ा चंचल है। आप ही लोग यहाँ बैठी हो, हमारी माताएं, कई माताओं का मन लगा होगा रसोई घर में, अरे हम तो दरवाजा खुला छोड़ा है, दूध रखा है, बिल्ली ना पी जाए। कई का मन लगा होगा टीवी में कोई सीरियल आ रहा होगा, संडे है कोई मूवी आ रही होगी, है ना? हम बैठे कथा में है पर मन पहुंच जाता है दिल्ली, मुंबई, कैलकटा, पता नहीं कहाँ कहाँ। भारत तो छोड़ो, भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्री पहुंच जाता है, विदेश चला जाता है मन हमारा। मन तो मन है, चंचल है, मन किसी के वश में नहीं है। लेकिन कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागतः, उन गोपिकाओं ने मुझको ही दे दिया है अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपना मन। इसलिए उद्धव जी ब्रज चले जाओ और जो गोपियां मेरे वियोग में तड़प रही हैं उन गोपियों को समझा के आओ कि तुम्हारा कन्हैया आएगा। उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार होते हैं। भगवान ने अपना पीतांबर दे दिया, अपनी वैजयंती की माला पहना दी, अपना रथ दे दिया और जब उद्धव जी जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं, अरे ओ भैया उद्धव, रुको रुको रुको। उद्धव जी वापस आए,
कृष्ण तुम मुझे जाने नहीं दे रहे, चौथी बार है तुम मुझे रोक रहे हो, क्या है, जाऊं या ना जाऊं। नाराज हो गए उद्धव, मित्र है, मित्र तो नाराज हो सकता है। भगवान ने कहा, अरे उद्धव जी, मैं तो ये कह रहा था आज जाना कल आ जाना, यहाँ बहुत काम है, वहीं मत रुक जाना। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण तुम्हें लगता है मैं वहां रुक पाऊंगा, आज जा रहा हूँ कल शाम तक वापस। उद्धव जी चल दिए, ब्रज पहुंचे। जब उद्धव जी ब्रज पहुंचे हैं और गोपियों ने दूर से उद्धव जी को देखा है, इतनी खुश हो गई हैं, पहले तो सोच रही हैं शायद ये हमारा लाला है, हमारा कन्हैया है, हमारा ठाकुर है, हमारा कृष्ण वापस आ गया है। लेकिन जब पास में गई तो मुंह बना लिया, अरे ये तो उद्धव जी, हो सकता है ये कोई कृष्ण का संदेश सुनाने आए हो। यहाँ उद्धव जी रथ से उतरे भी नहीं है, एक के बाद एक गोपी प्रश्न करती है। पहली गोपी कहती है, हमारे कृष्ण स्वस्थ तो हैं? दूसरी ने कहा, प्रसन्न तो हैं? तीसरी ने कहा, जिस प्रकार से ब्रज की देवियां कृष्ण का पूजन करती थी, मथुरा की देवियां कृष्ण का पूजन करती हैं। चौथी गोपी बोली, क्या कृष्ण माखन को याद करते हैं? पांचवी बोली, क्या कृष्ण कुंज गली को याद करते हैं? छठवी बोली, क्या कृष्ण रमण रेती को याद करते हैं? सातवीं बोली, क्या कृष्ण उन रात्रियों को याद करते हैं? आठवीं बोली, क्या कृष्ण यमुना के तट को याद करते हैं? नौवीं बोली, क्या कृष्ण राधा को याद करते हैं? दसवीं बोली, क्या कृष्ण नंद यशोदा को याद करते हैं? ग्यारहवीं बोली, क्या कृष्ण गोप ग्वालों को याद करते हैं? बारहवीं बोली, क्या कृष्ण यहाँ आएंगे? तेरह भी बोली, भूल जाऊं, नहीं आएगा, धनवान हो गया है वो, राजा बन गया है, क्यों आएगा। चौदह भी गोपी ने कहा, चुप रहो, तुम क्या जानो, कुछ भी बोलती हो, तुम जानती हो हमारा कृष्ण कौन है? अरे हमारा कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, अवश्य आएगा, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि इतना सा धन क्या आ जाए और हम अपने आप को भगवान का भी बाप समझ बैठे, वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है, वो यहाँ अवश्य आएंगे। खुद बोलती हैं, खुद उत्तर देती हैं, खुद प्रश्न करती हैं। उद्धव जी चुपचाप सुन रहे हैं। जब गोपियों के प्रश्न खत्म हुए तो उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों, कृष्ण ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, कृष्ण को ब्रह्म मानना छोड़ दो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियां उत्तर देती हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। उद्धव जी, ऐसे मछली पानी में रहते हुए भी प्यासी होती है ये जान करके भी हंसी आती, जैसे मछली पानी में प्यासी, वैसे तुम भगवान के इतने पास में रहने के बाद भी भगवान को पहचान ना पाए, कैसा तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान है। अरे उद्धव जी, हमसे बात ही करना है तो कृष्ण की बातें करो, ये ज्ञान की बातें ना हमें समझ में आती हैं और ना हम समझना चाहते हैं, ये बातें तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। गोपियों की बात उद्धव जी ने सुनी है, अनेक प्रकार से गोपियों को समझाने की कोशिश उद्धव करते हैं। गोपियों का हर बार यही उत्तर है, उद्धव मन नाही दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, उद्धव मन नाही दस बीस। उद्धव जी, हमारे कोई दस बीस मन नहीं है जो यहाँ वहां हम सब में बांटते फिरे देते फिरे, हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है और अब उस मन का कृष्ण के पास से वापस आना मुश्किल है। अब कृष्ण ब्रह्म है या नहीं, हमारे लिए तो सब कृष्ण ही है, गोपियां कहती हैं और अपने अपने काम में लग गई। यहाँ उद्धव जी ने कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की दशा देखी और फिर कृष्ण के अनेक चमत्कार भी देखे। उद्धव जी देखते हैं, एक गोपी पानी भरने के लिए गई, कुआं, कुआं तो समझते हैं ना, कुआं। अब रस्सी बांधना थी गगरिया में, बाल्टी में, पर रस्सी बांध दी बालक के सिर में और डाल दिया कुएं में। लेकिन कृष्ण का प्रताप तो देखो, कृष्ण की महिमा तो देखो, पानी से भरा हुआ बर्तन जो पानी में नहीं गया था वो हाथ में है और जो बच्चा पानी में चला गया था वो भी सुरक्षित उसके पास में, ये कृष्ण नाम का प्रताप है। उद्धव जी की आंखें भर आई ये देख करके।
उद्धव जी ने देखा कि कृष्ण के वियोग में गोपियां पागल सी हो गई हैं, दिन रात कृष्ण कृष्ण गाती हैं, कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण के लिए जागना, कृष्ण के लिए खाना, कृष्ण के लिए हंसना, कृष्ण बोलना, कृष्ण सुनना, कृष्ण 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 कृष्णमय गोपियां हो चुकी हैं, ये उद्धव जी ने देखा है। तो अंत में जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे ना, वो उद्धव जी क्या कहते हैं, एताम परम तनुव्रतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात् मनिरूढ भावा वांछन्ति यद् भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जन्म विदनंत कथारसश्च। उद्धव जी कहते हैं यदि मेरा फिर से इस पृथ्वी में जन्म हो तो मुझे ब्रह्मा और विष्णु का पद नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहा मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बना देना। क्यों? कहा बड़े बड़े योगी जीवन भर राम नाम की माला जपते हैं लेकिन आखिरी समय राम शब्द का रा कहे बिना दुनिया को छोड़ करके चले जाते, पर गोपियां भाग्यवान है जिन्होंने अपनी साधारण सी भक्ति और प्रेम करके कृष्ण को पा लिया है। तो यदि मेरा फिर से जन्म हो तो भगवान मुझे भी नंद बाबा के गांव की गोपी बना देना, ग्वालिन बना देना। उद्धव कहते हैं जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे वो कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में डूब चुके हैं, और जो उद्धव जी दो दिन के लिए आए थे, भगवान ने कहा था आज जाओ कल आ जाना। आपको पता है उद्धव जी कितने दिन ब्रज में रहे होंगे? दो दिन के चार दिन कर दो, चार के दस भी कर दो, दस के चलो एक महीना कर दो, एक महीने के दो महीने कर दो, ये भी बहुत कम है। उद्धव जी 19 महीने, कितने महीने? 19 महीने, मतलब लगभग डेढ़ वर्ष उद्धव जी ने ब्रज में निवास किया है गोपियों के साथ।